क्यों कर रही हो आप यहाँ पे? मैं, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मेरा आदमी ख़त्म हो गया, इसलिए काम करती हूँ। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चा है। और आपके शोहर को ख़त्म हो गया कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। तो ये कपड़ा आपका जो मिलता है, इसमें कितने पैसे कमा लेते हैं? यही रोज़ की 150-200 ऐसे कमा लेती हूँ, क्या करूँ। और घर का गुजारा कैसे चलता है? ऐसे चलाती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ करके। छोटा छोटा तो बच्चा है, कौन कर सकता है? 3 लड़की है। 3 बेटियाँ हैं आपके? 3 बेटी हैं। कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत होती है, क्या करूँ, मजबूर हूँ। मजबूर की वजह से परेशानी। कोई घर में है नहीं, जेंट्स नहीं है कोई? नहीं। आपके ससुर वगैरह? नहीं, मेरा ससुर ख़त्म हो गया, वो गांव में है। मेरे सास है, वो अंधी है, वो गांव में। आपके शोहर कैसे ख़त्म हुए थे? ऐसे खत्ते में काम करती थी, हार्ट अटैक में ख़त्म हो गए। हार्ट अटैक में ख़त्म हो गया था आपके? तो अभी बच्चों को पालने के लिए बहन कितनी परेशानी आ रही है? अभी तो परेशानी उठा रही हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। मजबूर की जो जैसे मजबूरी जैसे चलता है, जैसे दाल चावल चल जाता है, ऐसे करती हूँ, क्या करूँ। तो कहीं से कोई राशन वाशन कोई दे रहा है? नहीं दिया राशन वाशन किसी ने। नाम तो लिख के लेके गया 3-4 जगह से, मगर राशन एक जगह से भी नहीं मिला। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ पैसा वैसा डाला अकाउंट में? मेरा अकाउंट नंबर नहीं है, तो इसीलिए कहीं से कुछ मिला नहीं। तो इस लॉकडाउन में कितनी परेशानी हो रही है आपको? लॉकडाउन में तो परेशानी है ना, काम सही से हो रहा ना कुछ हो रहा है, क्या करें, मजबूर हूँ। कूड़े में से क्या चीज़ निकालती हो आप? यही प्लास्टिक वगैरह निकालती, बोतल वगैरह बस। एक दिन में कितना निकलता है? 100 रुपये का? हाँ, 100 रुपये का निकल जाता है। हाँ, एक दिन का 100 रुपये का निकाल लेती। अच्छा, कोई आपकी अगर मदद कर दे कि 10 दिन आप बाहर ना आए, तो आएंगे बाहर? नहीं आऊँगी, अगर कोई मदद कर दे तो नहीं आऊँगी। ऐसा तो नहीं आदत से मजबूर हो आपके फिर भी आओगे? मैं तो आ नहीं रहा था, 15 दिन मैं घर में बैठी थी। कहाँ के रहने वाली हो आप? बिहार की रहने वाली हो? बंगाल की? कलकत्ता की। अब घर में कोई कमाने वाली नहीं है, आपको ही अपने बच्चों की परवरिश खुद करनी पड़ती है? खुद करनी पड़ती है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। बड़ी बेटी कितने साल की है? बड़ी बेटी 10 साल की है। 10 साल की बड़ी बेटी है। ऐसा भी हुआ इस लॉकडाउन में कभी आपको भूखा सोना पड़ा? हाँ, 2-3 दिन तो ऐसे हुआ था, फिर क्या करूँ, 2-3 दिन ऐसे हुआ था, फिर मैंने क्या करी, चलो खत्ते में थोड़ा सा काम वम करके आओ, बच्चे लोग को तो थोड़ा सा खाना देना, 2-3 दिन ऐसे लग रहा है। तो इतनी गंदगी में आप काम कर रही हैं, आपको पता नहीं कितनी बीमारी हो रही है, बीमार हो जाओगे तो कैसे होगा? मैं क्या करूँ, मजबूर में बच्चों को तो पालना ही है। तो कुछ और काम भी कर सकते हो आप? कुछ और दुकान वगैरह कर लो, कुछ और कहीं कहीं घरों का काम कर लो, कहीं घरों का काम कर लो। घरों का काम मिलता नहीं है, कोई काम देने के राजी नहीं होता है, घरों का काम कैसे कर लो, कोई देने को राजी नहीं होता। अगर हम आप कुछ मदद कर दें तो आप 10 दिन नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। वादा कर रहे हो? वादा कर। ठीक है, चलिए आऊंगी। देखिए, ये हालत हो गई हमारे देश की। अब ये महिला है, इनके 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटी 10 साल की है, और क्योंकि हाथ में हुनर नहीं है, बस यही काम करते हैं। ये गंदगी है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसी गंदगी में ये जो प्लास्टिक होती है, उस प्लास्टिक को बीनती हैं, और प्लास्टिक बीनने के बाद जो भी बिक जाए 100-150-200 रुपये की, उससे अपने घर का गुजारा करते हैं। हमने बस थोड़ी सी मदद की है, हमने ज़्यादा मदद नहीं की है, कम से कम इतनी मदद की है कि ये अपने कम से कम 10 दिन तो अपने घर पर रहें, और 10 दिन घर पर रहने के बाद कुछ ऐसा काम करें कि यहाँ इस गंदगी में ना आना पड़े, क्योंकि बीमारी का अड्डा है ये, यहाँ तो अच्छा अच्छा आदमी बीमार हो जाएगा। और इस रमज़ान मोहब्बत बांटिए, प्यार बांटे, ऐसे लोगों का ख्याल रखे जो लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। बस यूँ ही प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।